आज 5 दिन का रिमांड जो है वो खत्म हुआ है और उसके बाद ये ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि सामने गमछा लेकर सबको प्रणाम कर रहे हैं और हाथ हिलाकर भी हेमंत सोरेन यहाँ पर कार्यकर्ता है हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर खड़े थे और सबको प्रणाम और जोहार करके हेमंत सोरेन फिलहाल ईडी कोर्ट के अंदर इस वक्त जा रहे हैं। देखिए कोर्ट रूम में चूंकि आज रिमांड की अवधि उनकी पूरी हो गई थी, रिमांड की अवधि पर ईडी के द्वारा आज कोर्ट में लाया गया। लाने के बाद उन पर ईडी की तरफ से बहस किया गया कि कुछ फैक्ट्स जो नए फैक्ट्स जो पूछताछ में जो और लोगों को संबंध दे के बुलाया जा रहा था उन लोग से और इनसे जो सारे क्वेश्चंस को पूछताछ किया जा रहा है ईडी के द्वारा उस सारे फैक्ट्स न्यायालय में बताए कि बहुत सारे फैक्ट्स अभी बाकी है, बहुत सारी जानकारियां हासिल करनी बाकी है, कुछ नए नए चीज आए हैं वो सब इनको और भी रिमांड की आवश्यकता है इसलिए और हमको 4 दिन का रिमांड उनके ईडी तरफ से मांगा गया था। लेकिन डिफेंस के तरफ से बहस किया कि अब जो रिमांड है उनको अब ज्यादा हो गया है, रिमांड अब की अवधि पूरी हो गई है, अब आगे का रिमांड ना दिया जाए, उसको ऑब्जेक्शन किया गया। लेकिन न्यायालय ने दोनों पक्ष सुनने के बाद में 3 दिन का और रिमांड उनको दिया गया। उनके रहने पर भी कुछ सवाल उठे थे कि अच्छे से उनका अब न्यायालय का है, न्यायालय अपना उस पर विचार करे की हाँ हाँ वो अपनी बातें रहे। ईडी के अधिकारी ने आदेश दिया था और 3 दिनों की रिमांड अवधि हेमंत सोरेन बढ़ गई है, इससे पहले 5 दिनों की रिमांड अवधि पर थे।